बाजी का मरहला आन पहुंचा और आज बैतबाजी का दूसरा सेमीफाइनल है। दो टीमें हैं, यूईटी यूनिवर्सिटी लाहौर, मोहम्मद इस्लाम और ईशा बाबर। जी, बैतबाजी के लिए आप मेहमान बनते हैं मास्टर पेंट्स के। कहते हैं कि टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मास्टर पेंट करा के कुड़िये सा खुर्रम शहजाद, आसिफ अली वासे, आप लासानी तूतस्या प्लस मलठी के मेहमान। उनका कहना है कि टॉन्सल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। लासानी का असल तूतस्या प्लस मलठी, सिर्फ तूतस्या नहीं बल्कि लासानी तूतस्या प्लस मलठी। और आज चूंकि दूसरा सेमीफाइनल है, मैंने दो जजेस आपके लिए बुलाए थे। पहला शेर मैं दे देता हूं जी। ये लोग भी गजब हैं कि दिल पर ये इख्तियार, शब मोम कर लिया सहराहन बना लिया। एक नक्श हो ना पाए इधर से उधर मेरा, जैसा तुम्हें मिला था मैं वैसा जुदा करो। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। न हरीफे जा न शरीके गम, शबे इंतजार कोई तो हो, किसे बज़्म में शौक में लाए हम दिल बेकरार कोई तो हो। वो किसी और दवा से मेरा करता है इलाज, मुब्तिला हूँ मैं किसी और ही बीमारी में। नया पड़ोस में आबाद आके कौन हुआ, के फूल बेचने वालों से भर गईं गलियां। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज है हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। ये कयाम कैसा है राह में, तेरे जोके इश्क को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं तेरे सब इरादे बदल गए। यूं ही दुश्मन नहीं डर आया मेरे आंगन में, धूप को राह मिली पेड़ की उरियानी से। ये जो है दिल की लगी इसको हवा देते हुए, लोग अपना सोचते हैं मशवरा देते हुए। ये जो नाकामी मंजिल की कसक है दिल में, काम आएगी किसी और सफर में अपने। ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हैरान अचानक आके मिलो। वो इस तरह से मोहब्बत जताने लगता है, कभी कभी तो मुझे खौफ आने लगता है। ये उम्र तो किसी अजीब वाके की उम्र थी, ये दिन फकत सपुर्दे रोजगार कैसे हो गए। यूं ही नहीं खुदाओं पे उंगली उठाई थी, आदम ने मुझको मेरी कहानी सुनाई थी। ये भी एक मुसीबत है जो रात गए तक चलती है, अपने आप से बातें करके अपने आप से डर जाना। एक रंज खा रहा है मुसलसल दिमाग को, बारिश में रख दिया है किसी ने चराग को। वही हुआ कि जो जोहदे बका में होता है, तेरा फिराक मेरी हाजतों से हार गया। अब तो बारिश में भी बारूद बरसता है यहाँ, अब वो मौसम नहीं बारिश में नहाने वाले। यहाँ पहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं, ये दरिया है इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। इस कदर भी तो न जज्बात पे काबू रखो, थक गए हो तो मेरे कांधे पे बाजू रखो। वो काफिला किसी अंधे नगर से आया था, हर एक शख्स का तकिया कलाम आंखें थी। नजर नजर हो पर इतनी भी बेपनाह न हो,
बहार आई तो हमने खिजां को देख लिया। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। न जाने कौन सा फिरका खिलाफ हो जाए, मैं सहमा रहता हूँ मस्जिद में आते जाते हुए। ये अलग बात सुनाई नहीं देती, वरना अश्क गिरने की भी आवाज हुआ करती है। ये क्या किया, मुझे उड़ना सिखा दिया तूने, अब आसमान भी मुझको पुराना लगता है। ये क्या कहा कि गम से मफर है हयात को, इतना गलत तो पेश ना करवा के आत को। वहां की रोशनियों ने भी जुल्म ढाए बहुत, मैं उस गली में अकेला था और साए बहुत। तुम यूं ही नाराज हुए हो, वरना मैं खाने का पता हमने हर शख्स से पूछा जिसके नए नशीले थे। ये तमाशा भी दिखाया बड़े शहरों ने हमें, लोग सिमटे हुए फैली हुई आबादी है। बस जो वक्त आपके लिए मखसूस था वो तमाम हुआ। दोनों जजेस जो भी फैसला देंगे वो आपको कबूल करना होगा। जजेस से कहना है कि फैसले से पहले हम आपसे आपके अशआर सुनना चाहेंगे। तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह। गजल से पहले दो शेर के, दरिया की मुसाफत ने जमी का नहीं छोड़ा, दरिया की मुसाफत ने जमी का नहीं छोड़ा, यक तरफा मुहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। वाह, यक तरफा मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। और सौ रूप थे वहदत में भी उस पारा सिफत के, सौ रूप थे वहदत में भी उस पारा सिफत के, पर हम बुते दिल ने यकीन का नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया। और असरे हाजिर पर लिखी हुई एक ताजा गजल के, छत सर पे नहीं और ना दीवार सलामत, छत सर पे नहीं और ना दीवार सलामत, फिर भी है गुमा मेरा ये घर बार सलामत। रोंदे गए मसले गए पाँव में कई बार, गुलशन में रहा फूलों का किरदार सलामत। वाह, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि इंसान तराजू में यूं ही तुलता रहेगा, इंसान तराजू में यूं ही तुलता रहेगा, जब तक है मेरे शहर में बाजार सलामत। दुश्मन का मुझे खौफ नहीं, रात का डर है, बस इतनी दुआ है कि रहे यार सलामत। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। कि हर बार निशाने पे हमें रखता है कोई, घर लौट के आ जाते हैं हर बार सलामत। और इस सर के निगुं होने से कट जाना है बेहतर, राजा साहब, इस सर के निगुं होने से कट जाना है बेहतर, सर अपना सलामत है तो दस्तार सलामत। और जितने भी उड़े लौट के आए न परिंदे, जितने भी उड़े लौट के आए न परिंदे, हैं पेड़ पे बैठे हुए दो चार सलामत। भोंचाल न बर्बाद करें बस्ती को न बन को, नदियां मेरी बहती रहें कोहसार सलामत। दिन रात दुआ करती हूँ मैं शाहिदा दिल से, सब फूल खिले और रहे महकार सलामत। शुक्रिया, माशाल्लाह। जी जनाब एजाज कुंवर राजा साहब, दो शेर गजल से पहले के, देखता रहता हूँ अब देखता है, देखता रहता हूँ अब देखता है, जब मेरी आंख झपकती है वो तब देखता है। देखता रहता हूँ अब देखता है, जब मेरी आंख झपकती है वो तब देखता है, और देखना उसका कयामत से कोई कम तो नहीं,
जान पोरों से टपकती है वो जब देखता है, जान पोरों से टपकती है वो जब देखता है। और गजल के चंद अशआर हैं छोटी बहर में के, बरसरे दास्तां गुजरती हैं सातें यूं कहां गुजरती हैं, और दस्तकें दस्ते बेहुनर से न दे नाजुकी पर गरां गुजरती हैं, दस्तकें दस्ते बेहुनर से न दे नाजुकी पर गुरां गुजरती हैं, और वसल की ख्वाहिशें दबे पांव हिजर के दरमियां गुजरती हैं। और एक ना एक आरजू सलामत है, शेर है कि एक ना एक आरजू सलामत है वरना उम्रें कहां गुजरती हैं, एक ना एक आरजू सलामत है वरना उम्रें कहां गुजरती हैं, और अब कहां वो विसाल के मंजर आंख से झलकियां गुजरती हैं, और दूर तक एक शराब की लहरें, दूर तक एक शराब की लहरें मिसने आबे रवां गुजरती हैं, गांव तरसे हुए हैं पानी को शहर से नदियां गुजरती हैं, तुम जिधर से गुजर के जाते हो फिर वहां तितलियां गुजरती हैं, और जो गुजरती हैं वो कुंवर कब तक देखिए रायगां गुजरती हैं, बरसरे दास्तां गुजरती हैं सातें यूं कहां गुजरती हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी, दोनों जजेस ने जो भी फैसला, ये बड़ा मुश्किल मरहला था जी, और हकीकतन दोनों तरफ से ऐसे ऐसे खूबसूरत शेर आए हैं, और कहीं भी रब टूटने नहीं पाया और कहीं सिलसिला रुकने नहीं पाया, तो ऐसे मरहलों पे जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ फैसला करना, लेकिन अमूमी फैसला फिर इस बात पे होता है कि मायारी शेर किस तरफ से कोई एक आज ज्यादा आया है, तो वो हम दोनों की जो राय है उसके मुताबिक जर्री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से ज्यादा तादाद में मायारी शेर आए हैं, तो फैसला जी दोनों जज साहबान की मौजूदगी में इनका दिया हुआ फैसला के जर्री यूनिवर्सिटी आज की फातेह यूनिवर्सिटी है। बहुत शुक्रिया जी। जी फैसल आबाद से जरई यूनिवर्सिटी खुर्रम शहजाद और आसिफ अली वासिक ये आज के फातेह हैं। आपके सामने लासानी तूत स्याह प्लस मलटी के इनामात मौजूद हैं और उनका लिफाफे भी मौजूद हैं। आपने दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया, अब फाइनल की तैयारी करके आइएगा जी। बिस्मिल्लाह, अपने तोहफे साथ ले जाइएगा। जी म्यूजिकल चेयर का मरहला शुरू होता है। म्यूजिकल चेयर के लिए आज हमें तावुन हासिल है लासानी अर्क के महफिल का। उनका पैगाम है कि वजन घटाएं सेहत पाएं। लासानी अर्क महजल, लासानी का अर्क महजल, वजन घटाएं सेहत पाएं, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा।
दो गो। फर्स्ट आई है आपके लिए कैश और ये फूलों का तोहफा, सेकंड के लिए ये तोहफे हैं और आपके लिए थर्ड के लिए ये तोहफे हैं।